मूवी की शुरुआत ब्राजील के रियो से होती है, जहां पक्षी खुशी से नाच और गा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक छोटा सा नीला बेबी पक्षी भी उन पक्षियों को उड़ते हुए देखकर उड़ान भरने की कोशिश करता ही है कि तभी कुछ इंसानों द्वारा पक्षियों को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया जाता है और फिर इसी बीच उड़ने के चक्कर में बेबी मकाऊ पक्षी पेड़ से नीचे गिर जाता है और जिस वजह से वह भी बाकी पक्षियों के साथ पकड़ा जाता है और फिर सभी पक्षियों को इंसान अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन फिर रास्ते में ट्रक का दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन तभी लिंडा नाम की एक लड़की भी उस बस में होती है जो उस बेबी पक्षी को गोद लेती है और उसका नाम ब्लू रखकर उसका ख्याल रखने का फैसला करती है। फिर 15 वर्षों के बाद लिंडा जो कि एक किताबों की दुकान की मालकिन है और ब्लू जो अब बड़ा हो गया है, वह एक इंसान की तरह व्यवहार करना जानता है। उसने कई मानव कौशल सीख लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लू अभी तक उड़ना नहीं जानता है। खैर एक दिन क्यूलियो मोंटेरो नाम का एक व्यक्ति लिंडा की किताबों की दुकान पर आता है और उसे बताता है कि उसने ब्लू की तलाश में हजारों किलोमीटर की यात्रा की है और वह ब्लू को उसके इकलौते प्रजाति के पास ले जाना चाहता है, लेकिन लिंडा क्यूलियो के प्रस्ताव से सहमत नहीं होती है। लेकिन फिर क्यूलियो लिंडा से इसके बारे में सोचने के लिए कहकर उसे अपना नंबर देता है। हालांकि फिर बहुत सोचने के बाद लिंडा ब्लू के साथ रियो जाने का फैसला करती है और फिर रियो पहुंचकर क्यूलियो ने लिंडा को बताया कि यह रियो कार्निवाल है जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल में से एक है। फिर इस तरह वे प्रयोगशाला में पहुंचते हैं जहां क्यूलियो काम करता है। फिर लिंडा ब्लू को एक एवीरी में छोड़ देती है जहां वह अपने प्रजाति के जूल नाम के एक लड़की से मिलता है जो एक सुंदर नीला मकाऊ है और जिसे देखकर ब्लू तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन जूल ब्लू से प्रभावित नहीं होती है। लेकिन फिर ब्लू जूल को यह सोचकर चूमने की कोशिश करता है कि वह भी यही चाहती है, लेकिन इससे जूल गुस्सा हो जाती है। जबकि इधर लिंडा और क्यूलियो रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं और सिल्वियो नामक एक गार्ड को पक्षियों की देखरेख में छोड़ देते हैं। हालांकि फिर इधर निगेल नाम का एक शिकारी पक्षी क्यूलियो की प्रयोगशाला में एक बीमार पक्षी बनकर गार्ड पर फॉर्मेलिन युक्त ऊतक से हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर निगेल दरवाजा खोलता है और फर्नांडो नाम के एक गरीब लड़के को अंदर जाने देता है जो ब्लू और जूल का अपहरण कर निगेल के साथ निकल जाता है। जबकि इधर लिंडा और ट्यूलियो को रात के खाने के दौरान पक्षियों की चोरी होने की जानकारी मिलती है और जिसे जानकर वे पूरे शहर में उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। फिर फर्नांडो ब्लू और जूल को उसके सरदार मार्सेल और उसके चेलो के पास ले जाता है। फिर वे देश के बाहर उन्हें बेचने की योजना बनाकर टेलीविजन पर ब्राजील और अर्जेंटीना की टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं कि फिर इधर जूल पिंजरे से भागने की सख्त कोशिश करती है और यह देख ब्लू पिंजरे को सहजता से खोल देता है जिससे जूल उड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वे जंजीरों में बंद जाते हैं और ब्लू कबूल करता है कि उसे अभी तक उड़ना नहीं आता है और वे छत के जरिए होकर भागने लगते ही हैं कि तभी निगेल उन्हें घेर लेता है, लेकिन फिर वे ट्रांसफार्मर से टकरा जाते हैं और जिससे पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। जबकि ब्लू और जूल भी किसी तरह से बचकर वहां से जंगल की ओर भाग जाते हैं। फिर अगले दिन फर्नांडो पक्षियों को चुराने का पछतावा करते हुए लिंडा और ट्यूलियो से मिलता है और उनसे ब्लू को खोजने में मदद करने का फैसला करता है। जबकि इधर ब्लू और जूल अपने पैरों पर बंधी जंजीर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जंजीर को तोड़ नहीं पाते हैं और फिर इस दौरान कुछ नटखट पक्षी भी वहां आ जाते हैं और उन्हें घुसपैठिया समझकर उन पर हमला करते हैं, जब तक कि उनके पिता राफेल नाम के एक टूकेन ने उन्हें रोक नहीं दिया। फिर राफेल ब्लू और जूल को चेन से बंधा देखकर उन्हें बताता है कि लुइस नाम का उसका एक दोस्त है जो उन्हें चेन से छुड़ा सकता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी ईवा राफेल को मना करती है, लेकिन राफेल उसे बहला फुसलाकर मना लेता है। हालांकि उससे पहले राफेल ब्लू को उड़ना सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ने के इस प्रयास में ब्लू असफल होता है और फिर गिरते पड़ते वे किसी तरह करके एक वैन पर चढ़ जाते हैं जो उन्हें लुइस के पास ले जाएगा। जबकि उनके जाने के बाद लिंडा और तुलियो भी फर्नांडो के साथ उन्हें खोजने के लिए आते हैं, लेकिन कार्निवाल के कारण सड़कें बंद होने लगती हैं। जबकि इधर निगेल ब्लू और जूल को खोजने में मदद करने के लिए कुछ लुटेरे बंदरों को डरा धमका कर उन्हें अपने काम पर रखता है। जबकि इधर राफेल अपने दोस्त निको और पेड्रो से मिलता है जो उन्हें बताते हैं कि लुइस एक ट्राम पर चला गया है। हालांकि फिर इस बीच एक सांबा क्लब में निको और पेड्रो हॉट विंग्स गाते हैं और जिन्हें देखकर ब्लू भी नाचना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही पल राफेल के एक छोटे से धक्के के साथ ब्लू जूल को अपने तरफ आकर्षित करता है
और फिर वे दोनों साथ में नृत्य करते हैं और तब जूल को पता चलता है कि वह ब्लू के साथ प्यार में है और फिर जैसे ही दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं कि तभी लुटेरे बंदर वहां आकर ब्लू और जूल को उनके साथ जाने के लिए मजबूर करते हैं और फिर देखते ही देखते उनके बीच लड़ाई होने लगती है। हालांकि फिर लड़ाई समाप्त होते ही ब्लू और जूल रोजेट स्पूनमिल की मदद से वहां से भाग जाते हैं। फिर इधर लिंडा जूलियो और फर्नांडो के साथ शिकारियों के इलाके में पहुंचते हैं लेकिन उन्हें वहां ब्लू नहीं मिलता है। हालांकि फिर वे वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी शिकारी भी वहां आ जाते हैं और फिर वे फर्नांडो से मिलकर उसे बताते हैं कि वे कार्निवल के जरिए पक्षियों के साथ हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए एक कार का निर्माण कर रहे हैं। फिर फर्नांडो उनके साथ जाता है जबकि लिंडा और ट्यूलियो जिन्होंने छिपकर उनकी योजनाओं को सुन लिया था इसलिए उन्हें रोकने के लिए वे भी उस कार्निवल के परेड में शामिल हो जाते हैं। फिर इस बीच निगेल देखता है कि उसने जिन बंदरों को काम पर रखा था वे ब्लू और उसके दोस्तों को पकड़ने में ज्यादा मदद नहीं कर रहे थे इसलिए वह खुद उन्हें पकड़ने का फैसला करता है। फिर इधर राफेल ब्लू को जूल से अपने दिल की बात कहने के लिए कहता है लेकिन ब्लू जब जूल से अपने दिल की बात करने का प्रयास करता है तो उसके गले में एक फूल फंस जाता है और फिर वह जूल को बता नहीं पाता। हालांकि फिर वे एक लंबे सफर के बाद लुइस की दुकान पर पहुंचते हैं जहां जूल लुइस पहलवान के बारे में यह जानकर आश्चर्य होती है कि वह एक अंग्रेजी बुलडॉग है। फिर लुइस ब्लू और जूल की चेन को आरी से तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन यह काम नहीं करता और जिसकी वजह से ब्लू लगभग आरी से कटने ही वाला होता है लेकिन फिर चेन लुइस के मुंह में फंस जाती है और उसकी लार उनके पैरों में जाती है जिससे वे चेन से छूट जाते हैं। फिर जूल चेन से मुक्त होने और फिर से उड़ने में सक्षम होने से बहुत खुश होती है लेकिन दूसरी ओर ब्लू यह जानकर थोड़ा दुखी है कि उन्हें अलग होना पड़ेगा लेकिन जूल ब्लू को जंगल में उसके साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करती है पर ब्लू ना उड़ पाने को लेकर अपने आप से हताश जूल के साथ रहने से इनकार करता है और जिसकी वजह से जूल दुखी होकर ब्लू से दूर जाने लगती है। हालांकि निको और पेड्रो जूल को रोकने का प्रयास करते हैं पर अगले ही पल निगेल जूल को पकड़कर कार्निवल में ले जाता है। फिर राफेल ब्लू का पीछा करता है और उसे बताता है कि जूल को निगेल ने अपने कैद में कर लिया है और यह जानकर फिर ब्लू निको पेड्रो और लुइस के साथ जूल को ढूंढने कार्निवल में जाता है जबकि इधर लिंडा और ट्यूलियो भी ब्लू की तलाश में कार्निवल में मोटरसाइकिल पर आते हैं और उन शिकारियों की योजनाओं को विफल करने के लिए वे नर्तकियों के रूप में तैयार होते हैं लेकिन एक परेड आयोजक सोचता है कि लिंडा एक असली नर्तकी है इसलिए वह उसे एक फ्लोट पर रखती है ताकि वह सभी के सामने नृत्य कर सके लेकिन तभी ब्लू और उसके दोस्त भी परेड में आते हैं और शिकारी की कार की तलाश करते हैं और इस दौरान लिंडा ब्लू को देख लेती है पर ब्लू जूल को बचाने के लिए लिंडा के पास जाने के बजाय वह जूल के पास जाने का फैसला करता है। फिर ब्लू जूल के पास पहुंचकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन तभी निगेल ब्लू को भी पकड़ लेता है और यही नहीं वह उसके दोस्तों को भी पिंजरे में कैद करता है। फिर शिकारी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं लेकिन लिंडा और ट्यूलियो भी मैको फ्लोट में उनका पीछा करते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते तो हैं पर वे उन्हें रोक नहीं पाते हैं। हालांकि फिर प्लेन पर ब्लू अपने पिंजरे से निकलने में सफल हो जाता है और वह अपने साथ जूल और अन्य पक्षियों को भी पिंजरे से मुक्त करता है लेकिन फिर अगले ही पल शिकारी को पता चल जाता है कि वे भाग रहे हैं। फिर सभी पक्षी किसी तरह से भागने में सफल होते हैं पर जैसे ही ब्लू भी वहां से निकलता ही है कि निगेल अचानक आकर ब्लू पर हमला करता है लेकिन फिर जूल भी ब्लू की मदद के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि निगेल जूल को धक्का देता है जिससे जूल घायल होकर फंस जाती है। फिर ब्लू जल्दी से निगेल के पैर में आग बुझाने का यंत्र को उसके पैरों पर फंसा कर उसे प्लेन से बाहर निकाल देता है और जिसकी वजह से निगेल प्लेन के फैन से टकरा जाता है और फिर देखते ही देखते प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने लगती है लेकिन प्लेन पर केवल एक ही पैराशूट उपलब्ध होता है इसलिए मार्शल अपने दोस्तों को छोड़ अकेले प्लेन से कूद जाता है लेकिन फिर पीछे से उसके चेले भी कूद जाते हैं जबकि इधर जूल अब भी मुसीबत में होती है लेकिन आखिरकार जूल को बचाने के लिए ब्लू भी प्लेन से कूद जाता है और तब फिर ब्लू को पता चलता है कि जूल के लिए उसका प्यार उसके उड़ने के डर से कहीं अधिक है और फिर ब्लू अपने पंख फैलाते हुए उड़ने लगता है और इस तरह से वह जूल को बचाकर उसे लिंडा के पास ले जाता है
जो कि बस थोड़े ही समय बाद लिंडा जूल के घाव को ठीक कर देती है। और फिर अगले दिन ब्लू लिंडा को अलविदा कहते हुए जूल के साथ जंगल में चला जाता है। फिर ब्लू और जूल एक युगल बनकर तीन बच्चों के माता पिता बन जाते हैं और फिर साथ में खुशी से रहने लगते हैं, जबकि इधर निगेल दुर्घटना में बच जाता है। हालांकि वह बुरी तरह से घायल है, इसलिए लुटेरे बंदर उसके हालात का फायदा उठाकर उसकी तस्वीरें लेते हैं और साथ ही उसका मजाक भी उड़ाते हैं। फिर इसी बीच शिकारी मार्सेल, अर्मांडो और टीपा को भी पक्षियों के पकड़ने के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जबकि इधर लिंडा और ट्यूलियो फर्नांडो को गोद लेते हैं और फिर एक साथ रहने लगते हैं। और इस तरह से यह मूवी भी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।